अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। 4 फरवरी इतवार के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई से गिरफ़्तार किया गया और अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं मुंबई में। और पुलिस कस्टडी में उनके साथ क्या हो रहा है, अभी वो किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, और पुलिस कस्टडी से यानी जेल के अंदर से उन्होंने मुसलमानों को, अपने चाहने वालों को, मानने वालों को क्या पैगाम दिया है। मामला दरअसल ये हुआ है कि जिस पुलिस थाने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ले जाया गया है वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है, उनके अकीदतमंद चाहने वाले सब वहाँ पर मौजूद हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उन्हें क्या पैगाम दे रहे हैं आप हजरात को भी सुनना चाहिए। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दे, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे ख्याल से बड़े प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे नाजरीन, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने पुलिस कस्टडी से अपने अकीदतमंदों को, चाहने वालों को ये पैगाम दिया है कि आप ज़्यादा शोर शराबा ना करें, यानी आप शांति बनाए रखें, अमन शांति का माहौल बनाए रखें। हमारे साथ पूछताछ हो रही है, तकरीर में मैंने जो कहा है उसकी तहकीक चल रही है और इंशाअल्लाह ताला सब ठीक होगा। आप अमन शांति का माहौल बनाए रखें और हमारे लिए दुआ करते रहें। प्यारे नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी है ना कोई ऐसा कदम ना उठाएं जज्बात में आकर, गुस्से में आकर, जिससे आपकी पकड़ हो सके। हमें बस अल्लाह ताला से दुआ करना है और दूसरी चीज़ जो है अपने आमाल को मजबूत करना है, नमाज का पाबंद होना है, रोज़े का पाबंद होना है, सच बोलना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।